बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जनाब, क्या हाल चाल है? पोटोहार यंग जर्नलिस्ट एसोसिएशन देखने वाले तमाम दोस्तों को मोहम्मद उस्मान इब्रार का अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, फिट होंगे, अपनी अपनी जिंदगानियों को भरपूर तरीके से इंजॉय कर रहे होंगे। और थैंक यू सो वेरी मच, आप हमें सपोर्ट करते हैं फेसबुक पर, आप अगर हमें देख रहे हैं यूट्यूब पर देख रहे हैं, थैंक यू सो वेरी मच। और यार आज जो हमारा टॉपिक है, मैं बात करना चाह रहा था, हम बिलखसूस अगर हम बात करेंगे, क्योंकि हम जो जिस एसोसिएशन के साथ लिंक हैं, पोटोहार यंग जर्नलिस्ट एसोसिएशन, तो अब यहाँ पर सारे जो जर्नलिस्ट हैं या जो लोग फॉलो करते हैं हमें, वो सारे यंगस्टर्स हैं मैक्सिमम अगर हम बात करें। तो अब यंगस्टर्स को अगर हम बिलखसूस बात करें मीडिया की फील्ड की, तो शुरुआत में हमें बड़ी मुश्किल, बड़ी स्ट्रगल्स, आप सबको यकीनन बड़ी जो है वो मुश्किल देखनी पड़ी होंगी, बल्कि देख रहे होंगे। तो अगर आप बगौर जो है उस चीज़ का मुशाहिदा करें कि जो मुश्किलात आ रही हैं आपको इस फील्ड में, वो आपको मज़ीद निखार रही हैं, आपके अंदर जो हौसले हैं वो बुलंद कर रहे हो रहे हैं आपके अंदर, आपकी जो एनर्जीज हैं वो बढ़ रही हैं, आप अपने आप को बेहतर जो है वो कर रहे हैं, अपने आप को ग्रूम कर रहे हैं। सो ये जो मुश्किलात हैं, ये यकीन माने मैं हर फील्ड में कहता हूँ कि मुश्किलात को जो है वो उनका इस्तकबाल किया करें। और जो मीडिया की फील्ड है, हम बात करते हैं, हम कहते हैं यार यहाँ पर जो है वो रेफरेंस होगा तो काम होगा, यहाँ पर जो है वो ऐसे होगा तो वो काम होगा, यकीन माने ये चीज़ें हैं, यकीनन हैं, और बल्कि ये अच्छी बात भी है यार। अगर आप रेफरेंस की अगर आप बात करें तो एक प्लस पॉइंट जाना जाता है कि यार ये बंदा है, मैं इस बंदे को रेफ़र कर रहा हूँ, ये बंदा अगर इस काबिल है कि ये इस पोस्ट पर या इस पोजीशन पर काम कर सके, तो आप इस बंदे को जो है वो कुछ मौका दें ताकि अपनी ये जो सलाहियतें हैं उनको उजागर कर सके। सो ये एक प्लस पॉइंट है। लेकिन अगर यहाँ पर अगर आप कह लें कि आप काबिल भी हैं, आप में सब कुछ है, आप में टैलेंट भी है, आप में तमाम तरह चीज़ें हैं, लेकिन फिर भी आपकी कोई सुनवाई नहीं हो रही, आपको जो है वो कुछ जो मुकाम है वो नहीं मिल रहा, या जो चीज़ आप डिज़र्व करते हैं वो नहीं मिल रही, तो यकीन मारें यार, मेहनत करते रहें, कोशिश करते रहें। एक जो सबसे बड़ा सिफारिश करने वाला है, या जो सबसे बड़ा प्लान करने वाला है चीज़ों को, वो अल्लाह के साथ है, वो ऊपर बैठी हुई है, वो आपकी मेहनत को भी देख रहे हैं, वो तमाम तर चीज़ों को जो है वो उनका मुशाहिदा कर रहे हैं। और आपको अल्लाह पाक आपको चाहता है कि आप ग्रूम करें, आप निखारें, आप जब उस पोजीशन पर बैठे हों ना, तो कोई शख्स आपसे वो पोजीशन ले ना सके, किसी में इतनी हिम्मत ना हो, किसी में मतलब आपके अंदर इतनी हिम्मत हो, आपके अंदर इतना जज्बा हो, इतना हौसला हो कि आप उस पोजीशन को, अपनी पोजीशन को डिफेंड करने के काबिल हों, अपने बज़ोरे बाजू जो है वो आप अपनी पोजीशन को डिफेंड कर सकें। सो हमेशा मुश्किलात को हम मीडिया वाले जो हैं वो मुश्किलात को जो है वो फेस करते हैं, वो फाइनेंशियल मुश्किलात हों, वो तमाम जो भी चीज़ें हों वो कर रहे हैं, और तमाम चीज़ें भी कर रहे हैं, लेकिन उसके अगर दूसरी जानिब से अगर हम देखा जाए, तो अल्लाह पाक जो है वो रिवार्ड देंगे, अल्लाह पाक तमाम तरह चीज़ें बेहतर करेंगे। आप बिल्कुल जो है वो घबराने वाला सीन ना करें, ठीक है, अपने आप को ग्रूम करें, अपनी जो स्किल्स हैं वो आपसे कोई नहीं छीन सकता, ठीक है, उन स्किल्स को जो है वो ग्रूम करें, निखारें, अपने आप को मजबूत करें, अपने आप को हथियारों वाला बनाएं। जितने मजबूत आप होंगे ना, जितने अच्छे और जितने यूनिक आपके पास हथियार होंगे, आप जो जंग है वो बड़े अच्छे तरीके से लड़ सकेंगे, और बड़ा जो है वो आपको उस जंग के लड़ने में आपको बड़ी मदद मिलेगी, आपकी जो मुश्किलात हैं वो बड़ी आसान होंगी, ठीक है। तो अपने जो हथियार हैं उन तमाम तरह चीज़ों को जो है वो हथियारों को तेज़ करें, ठीक है, अपने जो कलम है उसको तेज़ करें, अगर आप की जो पर्सनैलिटी है उसको ग्रूम करें, और अपनी तमाम तरह चीज़ें जो है वो बेहतर तरीके से और अच्छे तरीके से जो है वो करने की कोशिश करें, और जहाँ पर आप लोगों के लिए बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास प्लेटफॉर्म्स हैं, तो आपके पास डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं, तो आपको चाहिए कि आप उन प्लेटफॉर्म्स को अच्छा यूज़ करें, दूसरों के हक़ के लिए यूज़ करें, ताकि जो दूसरे हैं उनको भी इस्तेफादा हो सके, और जो हमारी तमाम तर चीज़ें हैं वो भी हम जो है वो कुछ आगे जाकर मुंह दिखाने के काबिल हों, कि हमारे पास अगर कुछ इख्तियारात थे, हमें किसी चीज़ से नवाजा गया था, कोई प्लेटफॉर्म दिए गए थे, तो हमने उनका कुछ अच्छा इस्तेमाल भी किया है, और उनको जो है वो खिदमत खल्क में भी जो है वो उसको इस्तेमाल में लाए हैं। सोच आप अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं, उस्मान अब्रार ऑफिशियल सेम यूज़र नेम है इंस्टाग्राम का, सेम ही यूज़र नेम है फेसबुक का, यूट्यूब पर भी उस्मान अब्रार ऑफिशियल के नाम से आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो वेरी मच। अगर कोई चीज़ बुरी लगी हो तो माफ़ी चाहता हूँ, अगर कुछ अच्छा लगा हो तो जब भी आपके हाथ दुआ के लिए उठें तो मेरे लिए दुआ कीजिएगा। अगर आप चाहते हैं किसी खास मौजू में, किसी खास टॉपिक पर हम वीडियो बनाएं, तो कमेंट में आप बता सकते हैं, या मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं। थैंक यू सो वेरी मच। अपना अपने प्यारों का बेहद ख्याल रखिएगा, मुल्क पाकिस्तान का बेहद ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला हम सबका हामी और नासिर हो। अल्लाह निगेबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।